कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी विश्व में कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि वैज्ञानिक सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। इससे पहले कि भूल जाओ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब्स वाले ऑल बटन्स को दबा दे ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सांपों का द्वीप ब्राजील। सांपों द्वारा शासित इलाहादा क्यू मादा द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप पर सांपों की भरमार है। यहाँ प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। दनाकिल रेगिस्तान इथोपिया। इथोपिया में स्थित दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाले इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूएलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। डेथ वैली अमेरिका। इस जगह को भी यहाँ पड़ने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर साल 1913 में रिकॉर्ड 134.06 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। चोलुला का ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड मेक्सिको में स्थित है। इसकी रहस्यमय बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इसे किसने और क्यों बनवाई है। इसका कोई इतिहास ही नहीं है। यह पिरामिड मंदिर के जैसा है। इसमें सीढ़ियां भी है चढ़ने के लिए। दुनिया के जितने भी बड़े पिरामिड है उसमें से एक ये भी है। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगह माना जाता है। इसके ऊपर कई फिल्म भी बन चुकी है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर से अगर कोई चीज गुजरती है तो उसे यह ट्रायंगल अपने आगोश में ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा हर वस्तु को निगल जाता है। यह ट्रायंगल 3 जगहों के बीच में है जिसके कारण इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ब्लड फॉल। यह जगह अंटार्कटिका में स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है, लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर ही 100% कंफर्म नहीं है। केन क्रिस्टल्स। केन क्रिस्टल्स कोलंबिया में स्थित एक जगह है जहां पर सिर्फ गर्मी में पानी लाल रंग का हो जाता है। यहां पर बहुत से अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहां मिलने वाले पौधे किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं। डेड सी। जॉर्डन में मौजूद डेड सी के नाम से जाना जाने वाला यह एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई तैर नहीं पाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें तैरने के लिए जाता है वो अपने आप ऊपर की ओर आ जाता है। इसमें नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है जिसमें बस कुछ बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। आप ये पानी पी भी नहीं पाएंगे। द नाजका लाइंस। यह पेरू में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई है जिसमें आप देखेंगे तो कभी मनुष्य, कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा। इसमें एक हैरानी की बात यह है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ ऊंचाई से दिखाई देता है। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है। बस इतना पता लग पाया है कि बहुत ही पुराना है। लगभग 400 से 700 ईस्वी के बीच इसे बनाया गया है। जैकब वेल। जैकब वेल काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी
यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। हमेशा कोई गायब नहीं होता। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे एवं कब हो जाते हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह जगह बिमली अमेरिका में है।